सर, आप पीएमओ जितेंद्र सिंह सर एक बहुत ही कहते हैं कि ज्वलंत बयान दिया है, जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि अक्साई चीन और पीओके हमारा है, उसके लिए हम जान दे देंगे। उसी स्तर पर सर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब बात सिर्फ पीओके पे होगी और पीओके वापस लाना है, क्या कहेंगे सर? देखिए, इस पर कार्रवाई सरकार करती है और जिस तरह से सरकार निर्देश देगी उस तरह की अन्य संस्थाएं जो देश में हैं जिनको कार्रवाई करनी है वो आगे कार्रवाई करेंगे। सर, सेना हमारी तैयार है? सेना तो सदा तैयार रहती है हर एक कार्रवाई के लिए। अब ऐसा है कि पत्रकार होने के नाते आपको स्वतंत्रता है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, पर सरकार का पदाधिकारी होने के नाते मुझे वो स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं करवाएगी। लेकिन आपके प्रश्न का दूसरा भाग मैं कहूंगा कि वाकई नाउ द नेक्स्ट एजेंडा इज रिट्रीविंग पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर एंड मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ इंडिया। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा या मेरा संगठन नहीं कह रहा, ये राजनीतिक दल नहीं कह रहा, दिस इज अ पार्ट ऑफ यूनैनिमसली पास रेजोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट 1994 बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव। अब ये और बात है कि कांग्रेस वाले खुद ही नरसिम्हा राव जी का नाम लेने में थोड़ा परहेज करते हैं, बट दिस इज एन एक्सेप्टेड पोजिशन। और जहां तक प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये मंजिल मखसूस तक पहुंची। जिस तरह की कार्रवाई इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रही है, ये जम्मू कश्मीर की जो जनता है उनको ये समझना जरूरी है कि जो भी कुछ हो रहा है वो उनके फायदे के लिए हो रहा है। जब सरकार ने कुछ निर्देश दिए हैं वहाँ पे 370 को हटाया गया है, इससे क्या है, जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए ये सब कार्रवाई की गई है, क्योंकि वो हमारे ही देश के लोग हैं, वो हमारे ही देश का प्रांत है और इसके लिए ज़रूरी था कि इस तरह की कार्रवाई की जाए। अब जिस तरह की सहूलियत जम्मू कश्मीर की आवाम को होगी, वहाँ के नागरिक को होगी, वो जब उसको देखेंगे किस तरह से कार्रवाई हो रहेगी तभी समझेंगे। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं अमन शांति बहाल करने में सुरक्षा बल, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जो भी अन्य संस्थाएँ हैं उनको एक मौका दें। 30 साल तक उन्होंने आतंकवाद झेला है, अब किस तरह से शांति प्रक्रिया के जरिए उनको लाभ होता है उसको भी झेल लें एक बार, तब उन्हें यकीन होगा कि किस तरह से शांति से उनको क्या क्या मिला और क्या क्या हासिल हुआ जो उन्हें इतने सालों तक हासिल नहीं हो सका।